डियर फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। ये थर्मामीटर है, ये है क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्लिनिकल थर्मामीटर में दो रीडिंग है, एक है सेंटीग्रेड स्केल और एक है फारेनहाइट स्केल, ठीक है। सेंटीग्रेड स्केल का रेंज होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और फारेनहाइट में रेंज होता है 94 डिग्री फारेनहाइट से 180 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। ये क्लिनिकल थर्मामीटर्स का जो लिस्ट काउंट है, मैं सेंटीग्रेड स्केल में लिस्ट काउंट देखूंगा, तो 35 डिग्री और 36 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 डिवीजन है, यानी कि 10 डिवीजन इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिवीजन इक्वल टू 1/10 यानी कि 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये इस सेंटीग्रेड स्केल का जो लिस्ट काउंट है ये है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फारेनहाइट हम देखेंगे 94 और 95 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में 5 डिवीजन है, यानी कि 5 डिवीजन इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिवीजन इक्वल 1/5 यानी कि 0.2 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। तो फारेनहाइट का लिस्ट काउंट है 0.2 डिग्री फारेनहाइट और सेंटीग्रेड का लिस्ट काउंट है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और हम जानते हैं इस थर्मामीटर से यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट, फारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री 4 डिग्री फारेनहाइट नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर, राइट। और ये थर्मामीटर से हम मेजर करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, राइट। इसके बाद हम देखेंगे और भी मेरे पास थर्मामीटर है वो किस काम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यह है क्लिनिकल थर्मामीटर और थर्मामीटर्स यूज्ड बाय डॉक्टर्स, राइट। ये एक थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है लैब थर्मामीटर, ठीक है। लैब थर्मामीटर, ये लैब थर्मामीटर है, यहाँ पर देखेंगे इसका रेंज कितना है, यहाँ पर देखेंगे अगर बहुत अच्छे से देख सकते हैं तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम देख सकते हैं अप टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पर रेंज है 360, यहाँ पर देखिए 300 लिखा हुआ है, 20, 40, 60, यानी कि इसका रेंज है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 360 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0 डिग्री से 360 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रेंज होता है, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो लिस्ट काउंट होता है इसका हम देखेंगे 0 से 20 में कितना डिवीजन से, 0 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड में डिवीजन है 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री 10 डिवीजन इक्वल टू 20 डिग्री, 1 डिवीजन इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका लिस्ट काउंट होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये थर्मामीटर से हम यूज कर सकते हैं टू मेजर द वेरियस टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर छोड़ के हम कोई भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी थर्मीटर से। इसका रेंज कितना है, 0 से 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसे मेजर कर सकते हैं, और इसका लिस्ट काउंट है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और भी एक थर्मीटर है, ये क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे। दिस इज ऑल्सो ए थर्मीटर, राइट। ये भी एक थर्मीटर है, इसका रेंज कितना है वो भी हम देखेंगे। ये थर्मीटर है, ये भी एक लेबोरेटरी थर्मीटर है, लेबोरेटरी थर्मीटर दी इसका रेंज है -10 डिग्री, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 0 है और नीचे है 10, यानी कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका रेंज है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड -10 और यहाँ पर है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका रेंज है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका अगर लिस्ट काउंट देखेंगे तो 0 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है 10 डिवीजन, यानी कि 10 डिवीजन इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिवीजन इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका लिस्ट काउंट है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और ये थर्मामीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, या घर में भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ आवर लैब थर्मामीटर। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज़ फ्रॉम 0 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। दिस इज एंड यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड इन इंडस्ट्री इन फैक्ट्री एंड ऑल्सो इन होम ऑल्सो, राइट। नाउ इसके बाद हम देखेंगे और एक थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये थर्मामीटर जो है इसे हम बोलते हैं वॉल हैंगिंग रूम थर्मामीटर। ये एक रूम थर्मामीटर है, ये रूम थर्मामीटर हम कैसे मेज़र कर सकते हैं वो हम आपको
दिखाएंगे। ठीक है, ये रूम थर्मोमीटर हम कैसे मेजर करते हैं हम देखिए। ये रूम थर्मोमीटर है, ये है सेंटीग्रेड स्केल और ये है फारेनहाइट। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो अभी हम देखेंगे। जीरो है ये -10 राइट, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका रेंज है 50 डिग्री सेंटीग्रेड राइट। ये है जीरो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और फारेनहाइट में है 20 डिग्री फारेनहाइट से 120 डिग्री फारेनहाइट राइट। और इसका लिस्ट काउंट देखेंगे कि सेंटीग्रेड स्केल में इसका लिस्ट काउंट कितना है। लिस्ट काउंट देखिए, जीरो से 10 डिग्री में, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन, यानी कि 10 डिवीजन इक्वल 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिवीजन इक्वल 10/10 यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिस्ट काउंट सेंटीग्रेड में है 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइट। और फारेनहाइट में हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 20 है या 40 है, 20 से 40 यानी कि 20 डिग्री फारेनहाइट कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन इक्वल 20 डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट, 1 डिवीजन 20/10 यानी कि 2 डिग्री फारेनहाइट। तो इसका डिस्काउंट जो फारेनहाइट के स्केल का डिस्काउंट है 2 डिग्री, यहाँ पर देखिए दिखा हुआ 2/1 यानी कि 2 डिग्री फारेनहाइट, इसका है 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइट। अभी हम देखेंगे कि अभी रूम टेम्परेचर मेरा कितना है। हम देखेंगे यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया गया है देखिए यहाँ पर रेड कलर, दैट इज आवर एजी यानी कि एजी है मरकरी। ठीक है, और कितना है अभी रूम टेम्परेचर वो मेजर करेंगे। देखिए यहाँ पर 230 और 1 2 2 डिवीजन है राइट, यानी कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड राइट। नाउ द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम फारेनहाइट में देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर है 80, उसके बाद है 1 2 3 4 5, इसका लिस्ट काउंट है 2 यानी 2 × 5 यानी कि 10 डिग्री, यानी 80 + 10 इक्वल टू 90 डिग्री फारेनहाइट। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम इज आइदर 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री फारेनहाइट। ये रूम टेम्परेचर हम इसे कैसे यूज करते हैं, ये वॉल हैंगिंग रूम थर्मोमीटर है, इसे हम हैंग करके रखते हैं रूम में जो मेजर करता है टेम्परेचर राइट। दिस इज आवर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। दिस इज आवर रूम थर्मोमीटर, दिस इज आवर लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दिस इज आवर लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड दिस इज आवर क्लिनिकल थर्मोमीटर। सी, दिस इज आवर क्लिनिकल थर्मोमीटर राइट। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।